पंचायत निकायों के गठन के बाद विकास और सुविधाओं के मामले में हीरापोड़ा शोपिया शहर की तरह बना। पंचायत निकायों के माध्यम से कंक्रीट की गलियां, गलियों, ड्रेनेज रोशनी से समृद्ध है पूरा गांव। मगर रोड पर शोपिया के आखिरी गांव ने पिछले कई सालों से विकास की रफ्तार पकड़ी है और 7 साल पहले जो गांव बिल्कुल पिछड़ा हुआ था उसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। गांव ने पंचायत निकायों RDD शोपिया और जिला प्रशासन शोपिया के माध्यम से विकास की गति ली है और गांव ने इसे संपूर्ण रूप में बदल दिया है और कंक्रीट गलियों, सड़कों, ड्रेनेज, कब्रिस्तान की बार रोशनी के रूप में विकास प्राप्त किया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि उनके गांव में जो विकास हुआ है वह पंचायत निकायों के गठन का परिणाम और संघर्ष है और उनके संघर्ष की ओर से गांव में प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा विकास हुआ है। और एक कॉलेज के छात्र सलीम शेख भी हैं जो निष्पादन का कार्य करते हैं। निजेरिया के तहत RDD शोपिया के काम ने अपना सर्वेश्वर प्रदर्शन किया है और गांव के पूरे पिरामिड को बदल दिया है। हीरापोड़ा शोपिया एजाज आह के सरपंच ने भी सरपंच और जन की मांगों को सुनने और उन्हें पूरा करने के लिए सरकारी विभागों के सहकारी समर्पित और ईमानदार होने पर संतोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि हीरापोड़ा गांव जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है और यह गांव का अंतिम आवासीय गांव है। हमारे इलाके में आप देख सकते हैं जो शोपियान ब्लॉक का हल्का है हीरापोड़ा, सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो हीरापोड़ा हल्के में होता है। जब से यहाँ पे पंचायत राज बना है तो लगभग 12 गाँव में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हीरापोड़ा गाँव में हुई है। तो हम बहुत खुश हैं सरपंच और पंचायत बॉडी से कि यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हो रही है और रोज़गार सभी को मिल रहा है। इन्होंने यूथ को एडजस्टमेंट किया है और बाकी जो बेरोजगार है वो काम पे आता है, नरेगा, उनको रोज़गार मिल रहा है। लेवल पे हर रोज़ लोगों के खिदमत के लिए और लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए ग्राउंड जीरो पे आती है। तो ये अगर हम ये कहेंगे 2016 या 2014 की बात अगर हम करेंगे, जब से सरपंचों को अथॉरिटी दी गई है, जो अथॉरिटीज़ KS BDO साहबों के पास थी वो सरपंचों के पास, आज सरपंच पैसे भी यानी कि रिलीज करता है, अथॉरिटी भी सरपंच दे रहा है। तो लेकिन आज अगर ग्राउंड जीरो की हम बात करेंगे तो मैं अपने इलाके में 1 करोड़ का काम करवाता हूँ, चाहे वो PRI है, नरेंगा है या कोई भी काम हो। लेकिन जो भी काम हो रहा है मेरे हिसाब से जो भी काम ग्राउंड पे हो रहा है वो RDD डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है और जो गवर्नर साहब बैठा है J&K UT में, हमारी J&K में, तो जब से वो गवर्नर साहब यहाँ पे आया है मेरे हिसाब से 100% यहाँ पे काम ठीक होता है। और यहाँ पे आप खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABG News 24x7।